पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को कभी ना कभी तो पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ी ही होगी, क्योंकि जितने भी आज के दौर में भारतीय हैं जो कि 18 साल के ऊपर हो चुके हैं, उनको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि बैंक में खाता खुलवाना है, पैन कार्ड की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी ही। लेकिन मुझे ना बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं या पर्सनली जो मुझे जानते हैं, उनके कई बार मैसेज आए हैं कि हमारा जो पैन कार्ड है वो खो चुका है और पैन कार्ड का नंबर जो है वो भी हमें पता नहीं है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिसके ज़रिए हम पैन कार्ड को दोबारा डाउनलोड कर सकें या फिर किसी तरह से पैन नंबर को ही जान सकें? तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आपका पैन कार्ड खो भी चुका है तो भी आप अपने पैन नंबर का पता लगा ही सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड खो भी गया है ना तो भी पैन कार्ड का पता लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड खो भी गया है ना तो भी पैन कार्ड का पता लगाया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं आपको वो सारा प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप जो है वो पैन नंबर को तो कम से कम जान ही सकते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जी डी टेकी से। सो फ्रेंड्स, टॉपिक आपको पता चल चुका है कि अगर पैन कार्ड खो चुका है, पैन नंबर भी हमें मालूम नहीं है, तो किस तरह से हम पैन नंबर का तो पता कम से कम लगा ही सकते हैं। तो चलिए सीधा प्रैक्टिकली जानते हैं कि क्या है वो सारा प्रोसेस जिसके जरिए हम पैन नंबर का पता लगा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल। हाँ जी, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने जो है ब्राउजर को ओपन करके रखा है। हम क्या करेंगे, अपने पैन नंबर को जानने की कोशिश करेंगे। तो पैन नंबर जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हम पैन नंबर जो जान रहे हैं वो तरीका है बैंकिंग फील्ड के जरिए। मतलब कि हम पैन बनाते क्यों हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में यूज के लिए तो बनाते ही हैं। इसके अलावा अगर बैंक में अकाउंट खुलवाना हो तो उसके लिए हम पैन कार्ड जरूर बनवाते हैं। तो जिसका पैन कार्ड बना होगा उसका बैंक अकाउंट भी होगा। तो बैंक में क्या होगा, आपका पैन नंबर जो है वो रजिस्टर्ड होगा। तो हम देखते हैं किस तरह से हम पैन नंबर फिर जान सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सर्च करूंगा SBI लॉगिन। हाँ दोस्तों, मेरा जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करूंगा और देखूंगा उसमें मेरा पैन नंबर मुझे कहां से दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, आपका अकाउंट जिस भी बैंक में होगा, आपकी नेट बैंकिंग जिस भी बैंक के अकाउंट से लिंक होगी, आप बड़ी आसानी से अपना पैन नंबर जान सकते हैं अगर आपका पैन कार्ड खो गया है और आपको पैन नंबर भी याद नहीं। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसे पहले ओपन कर लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने वेबसाइट को ओपन किया तो हमारे सामने एक नया वेब पेज जो है वो ओपन होके आ गया। हमें क्या करना है, कंटिन्यू टू लॉगिन। जैसे ही मैं कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करूंगा, वहां मुझे ऑप्शंस आ जाएंगे यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड। हमें इन तीनों को पहले फिल कर लेना है और उसके बाद लॉगिन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इन तीनों चीजों को भर के लॉगिन करता हूँ और फिर देखते हैं हम कि आगे हमें कौन सी ऑप्शंस मिलती है।
तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके लॉगिन बटन पर क्लिक किया तो मेरे सामने इंटरनेट बैंकिंग की जो मेरी डिटेल्स है वो दिखाई देने लग गई। तो आपको कुछ भी ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, आप अगर ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल जीडी टैगी को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो नीचे ना ऑप्शन हमें होम पेज पे ही मिल रही है कि व्यू नॉमिनी एंड पैन डिटेल, के मतलब आपके अकाउंट के साथ किस नॉमिनी का नाम जुड़ा है आप वो जान सकते हैं, और अपने पैन की डिटेल जान सकते हैं कि आपका जो पैन कार्ड है वो कौन सा है और उसका नंबर क्या है। तो आपको जस्ट क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि दो मेरे अकाउंट्स हैं, दोनों अकाउंट्स के साथ नॉमिनी जो है वो रजिस्टर है, यस है, और जो मेरा पैन नंबर है वो भी मुझे पूरा दिखाई देने लग गया कि मेरे दोनों बैंक अकाउंट्स के साथ SBI के पैन नंबर जो रजिस्टर है वो मेरा क्या है। तो कम से कम इस तरीके से मैंने अपने पैन नंबर को तो जान ही लिया, ठीक है। क्योंकि अगर पैन नंबर जान लिया तो हम कोई ऐसा तरीका भी ढूंढ सकते हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पैन कार्ड को फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, हो सकता है काफी सारे यूजर जो हैं इस वीडियो को देखकर ये सोचें कि जिनके पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है वो फिर क्या करें। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका अकाउंट जिस भी बैंक में होगा, आपको क्या करना है, उस बैंक में एक बार विजिट करना है और बैंक के अधिकारियों से आप अपना अकाउंट नंबर बता के अपने पैन को या अपने पैन नंबर को जान सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो का मकसद, किस तरह से हम अपने खोए हुए पैन नंबर को तो कम से कम जान ही सकते हैं। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितने ही आसान तरीके से हमने ये जान लिया कि अगर पैन कार्ड खो भी चुका है तो भी कितनी आसानी से हम अपने पैन नंबर का पता तो कम से कम लगा ही सकते हैं। क्योंकि अगर किसी और बैंक में भी खाता खुलवाना हो तो वहाँ पे भी पैन नंबर की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, तो दोस्तों, पैन नंबर तो आपको पता लग गया इस तरीके से। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर पैन नंबर पता लगने के बाद हम अपने पैन कार्ड को किस तरह से दोबारा अप्लाई कर सकते हैं या क्या उसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा भी तरीका है? अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द ही बना दूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं आपसे इसी वादे के साथ कि जल्द हाजिर होंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।